चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कमरे से दुर्गंध नहीं निकले इसलिए खिड़की और दरवाजे में कपड़े ठूंस दिए गए। हर रात कमरे के गेट पर अगरबत्ती जलाई जाती थी ताकि जो कुछ निकले वो अगरबत्ती में घुलकर खो जाए। चार दिन यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नमक से शव गलने के कारण अमोनियम नाइट्रेट गैस बनी। अमोनियम नाइट्रेट और जलती अगरबत्ती के संपर्क के कारण विस्फोट हो गया। खैर, ये सब वैज्ञानिक तथ्य और विश्लेषण इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि एक हत्या को छुपाने के लिए ऐसी ही अजीबोगरीब तरतीबों का इस्तेमाल किया गया है। अब अपना तो रसायन विज्ञान से ऐसा कोई खास नाता है नहीं, लेकिन इतना तो समझ गया कि बुरे काम को छुपाने के लिए जितने भी अच्छे से अच्छे हथकंडे अपनाने हैं अपना लो, पाप की सजा अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी। तो ये कहानी उसी हत्या और उस हत्या को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना क्षेत्र के बालू घाट में शनिवार रात एक किताब कारोबारी सुनील शर्मा के 3 मंजिला मकान के ऊपरी तल्ले पर किराएदार सुभाष कुमार के कमरे में केमिकल ब्लास्ट हुआ था। एक व्यक्ति की हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने के प्रयास में यह विस्फोट हुआ था। पुलिस के अनुसार राधा देवी ने फ्लैट में प्रेमी सुभाष के साथ मिलकर अपने पति राकेश सहनी की हत्या कर दी थी। शव को 8 टुकड़ों में काटा और ड्रम में रख दिया। लाश गलाने के लिए ड्रम में यूरिया, नमक और तेजाब भर दिया। राकेश के भाई दिनेश सहनी के बयान पर हत्या की FIR दर्ज हुई। मृतक की पत्नी राधा, प्रेमी सुभाष, साली कृष्णा देवी और साढ़ू विकास को भी नामजद किया गया है। यह हत्या अभी भी एक रहस्य है, इसमें बहुत कुछ पुख्ता सामने नहीं आया है। हत्या में प्रयुक्त मुख्य हथियार का अभी भी पता नहीं चला है, उसको लापता कहा जा रहा है। FSL टीम का कहना है कि केमिकल की जांच और विश्लेषण के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। मृतक के भाई दिनेश ने पुलिस को बताया कि राकेश 6 दिनों से लापता था। दिनेश की पत्नी राकेश को खोजते हुए बालूघाट वाले कमरे पर पहुंची। यहां राकेश की पत्नी राधा ने झांसा देकर दिनेश की पत्नी को लौटा दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि बेहोशी की हालत में राकेश की हत्या की गई होगी। उसे पहले पेय पदार्थ में नशा मिलाकर पिलाया गया होगा। जब वो बेहोश हो गया होगा तब उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई होगी। पुलिस जांच में पता लगा है कि राकेश और हत्या के मुख्य आरोपी सुभाष शराब का धंधा करते थे। राकेश के ठिकाने से पहले भी पुलिस ने शराब बरामद की थी। उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था। वो दिल्ली में छिपकर रहता था। तीज के पर्व पर उसकी पत्नी ने उसे बुलाया था। इसके बाद सुभाष समेत अन्य ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। राकेश के दिल्ली जाने के बाद सुभाष उसके परिवार की देखभाल किया करता था। इसी दौरान वो राकेश की पत्नी राधा के साथ अवैध संबंध में आ गया। इसकी भनक राकेश को लग चुकी थी और जब वो दिल्ली से आया तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर राधा, सुभाष, राकेश की साली कृष्णा और साधु विकास ने मिलकर एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी। खैर, इस घटना में आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।